हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत सी यूनिक सी रेसिपी। मतलब ये ब्रेड पिज़्ज़ा तो बनेगा, पर एक इतनी फैंसी सी रेसिपी बनेगी तो आपको बच्चों को ये बहुत ही अच्छी लगेगी। बच्चे तो क्या, बड़ों को भी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर की स्टफिंग प्रिपेयर कर लेते हैं। तो उसके लिए हम ले लेंगे फेवरेट सब्जियाँ। मैंने यहाँ पर लिया है कॉर्न, टमाटर और प्याज। आप इसमें कोई भी अपनी मनपसंद सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। एक चम्मच पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और एक चम्मच नॉर्मल मेयोनीज। मैंने यहाँ पे सैंडविच वाली यूज़ करी है, आप चाहें तो कोई सी भी कर सकते हैं। थोड़े से इटालियन मिक्स मतलब ओरिगनो और चिली फ्लेक्स वाला मिक्स डाल के मैंने अच्छे से स्टफिंग को मिक्स कर लिया है। तो हमारी जो स्टफिंग है वो रेडी हो चुकी है। अगर आपको पिज़्ज़ा सॉस का टेस्ट नहीं पसंद तो आप एक चम्मच शेज़वान चटनी भी डाल सकते हैं या फिर नॉर्मल टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारी कितनी अच्छी सी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे वाइट ब्रेड का यूज़ किया है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड, आटा ब्रेड कोई भी ले सकते हैं। हम एक बड़े कटर की हेल्प से या कटोरी की हेल्प से इसमें एक सर्कल बना लेंगे, जैसे मैंने बनाया है बिल्कुल उसी हेल्प से। आप ध्यान रखना कि ये बहुत ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो ब्रेड टूट जाएगी। तो बिल्कुल हल्के हाथ से हमें इसे करना है ताकि ब्रेड टूटे नहीं, और हम इस सर्कल को निकाल लेंगे। तो हमें एक डिस्क बनाने में मतलब एक पिज़्ज़ा बनाने में हमें दो ब्रेड चाहिए। तो दोनों ब्रेड्स के पहले हम सर्कल्स निकाल लेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसकी डिस्क बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हमने दोनों सर्कल्स निकाल लिए हैं, देखिए बिल्कुल ऐसे हल्के हाथ से हमें तोड़ना है। यस, आप किसी भी ग्लास, किसी भी कटर, किसी भी चीज़ का हेल्प ले सकते हो और हमारे जो इक्वल सर्कल्स हैं वो निकल जाएंगे। ये देखिए बहुत ही ईजी स्टेप है। और अब एक सर्कल को हम बीच में से खाली कर लेंगे ताकि वो दूसरे की कवरिंग बन सके, और एक डिस्क प्रिपेयर कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। बड़े कटर से छोटा कटर मैंने ग्लास का लिया है और मैं ग्लास से एक सर्कल को हॉलो कर लूँगी ताकि उसके अंदर मैं स्टफिंग भर सकूँ और वो एक डिस्क में लगे। आप चाहें तो ये स्टेप अवॉइड भी कर सकते हैं, आप नॉर्मल ब्रेड पर भी ये चीज़ बना सकते हैं, बट वो ही थोड़ा सा फैंसी दिखाने में थोड़ा अच्छा लगता है। रिलेटिव्स के आगे भी और बच्चों के लिए भी ये बहुत ही अच्छी लगेगी। हमारी जो डिस्क है वो प्रिपेयर हो गई है और मैंने ऐसी तीन डिस्क प्रिपेयर कर ली हैं। अब हम लेंगे एक साइड पे तवा जो हमने ऑन नहीं किया है, अभी वो ठंडा ही है, और उस पर अपना जो बटर है वो स्प्रेड कर लेंगे। आप कहेंगे ठंडे तवे पे हम बटर क्यों स्प्रेड कर रहे हैं, मैं आपको अभी बताती हूँ। बटर को हम इवनली स्प्रेड कर लेंगे, ये देखिए ऐसे, और इस पर रख देंगे अपने ब्रेड के सर्कल्स, नीचे वाले सर्कल्स जो हमारे बेस हैं। ये देखिए मैं अभी आपको शो करती हूँ कैसे रखना है। पहले बटर को अच्छे से फैला लेंगे, जितनी ब्रेड्स आपको रखनी है उस हिसाब से, और फिर हम रखेंगे ब्रेड्स के बेस। बेस रखने के बाद मैं इस पर शेज़वान चटनी लगा रही हूँ। आप चाहें तो अल्टरनेट भी कर सकते हैं, आप पिज़्ज़ा सॉस, मेयोनीज, बटर, चीज़ स्लाइस, आपको जो चीज़ पसंद हो आप वो लगा सकते हैं। और अगर आपके पास हरी चटनी है तो आप हरी चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं। शेज़वान चटनी अच्छे से लगा लेंगे दोनों ब्रेड्स के बेस पे, ये देखिए इवनली स्प्रेड कर देंगे। कोई भी चीज़ हमें बस इस पे लगानी है ताकि जो हमारी डिस्क है वो इस पे चिपक सके, क्योंकि कोई सॉस होगी तो जो ऊपर वाली लेयर होगी वो अच्छे से चिपक जाएगी इस पर और निकलेगी नहीं। ये देखिए हमने स्प्रेड कर लिया अच्छे से। अब हम इसको डिस्क से कवर कर देंगे ऐसे, और ये जो बीच में जो स्पेस है इसमें हम डालेंगे अपनी स्टफिंग, जो हमने एक मेयो वाली स्टफिंग प्रिपेयर की थी वो अच्छे से भर भर के हम इसमें डाल देंगे स्टफिंग, 2 से 3 चम्मच। ये देखिए बस ओवर ज़्यादा ना हो ताकि वो बाहर ना निकले, नहीं तो हमारे डिस्क का फ़ायदा नहीं होगा। हमें डिस्क की शेप रखनी है इसलिए हम ऐसे ही रखेंगे। ये देखिए दोनों में मैंने अच्छे से स्टफिंग भर दी है। अब थोड़ा सा चीज़ी बनाने के लिए, थोड़ा सा चीज़ ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़। अगर आप चाहें तो चीज़ स्लाइस बेस में भी लगा सकते हैं या फिर आप प्रोसेस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा डाल दिए हैं ओरिगैनो, और इसे हम कर लेंगे बेक, या फिर आप तवे पे सेक भी सकते हो। अब हम गैस को ऑन करके इसे ढक देंगे। पहले ऑन करते तो हमारा जो बेस है वो असेंबल करते टाइम जल जाता। ये देखिए 5 से 10 मिनट में हमारी चीज़ ब्रेड पिज़्ज़ा वाले डिस्क कितने जल्दी से और कितने यमी से रेडी हो चुके हैं। इन्हें आप सर्व करें हरी चटनी और केचप के साथ। और ये देखिए मैंने थोड़े से ऊपर से चिली फ्लेक्स डाले हैं थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए। अगर आपको मेरी ये डिस्क की रेसिपी पसंद आई तो इसे ज़रूर ट्राई करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें।